हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ओप्सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू फ्यूचर सर्वर ब्रिगेड नॉलेज गाइडर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा वोसे क्या होता है, जो कि बेसिकली सिक्स सेमेस्टर के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। और ये वाइवा वोसे आपका 11 तारीख यानी 11th जून को होने वाला है। सबसे पहली बात ये कि क्या सारे कॉलेजेस का या सारे जो आपके एफिलिएटेड कॉलेज हो, चाहे आपका FOC हो, क्या इन सब का एक ही दिन होगा कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा वोसे? जी हाँ, सारे बच्चों का एक ही दिन होगा कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा वोसे। जी हाँ, 11 तारीख को ही होगा आपका कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा वोसे। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दिस वीडियो। क्या इसके टिप्स रहेंगे, क्या इसकी स्ट्रेटजी है, क्या इसके प्रोसीजर हैं, क्या इसके सेटअप हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दिस वीडियो। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको नहीं देखा, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आपको कुछ आइडिया नहीं होने वाला है। और आपका 100 नंबर का जो ये एग्जाम है कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा वोसे का, ये आपका पूरा बेकार जा सकता है, क्योंकि भाई 100 नंबर का है, आपके टोटल एग्रीगेट में ऐड होगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरे लास्ट तक और अच्छे से देखिएगा। जो बातें मैं बोल रहा हूँ उन बातों को फॉलो कीजिएगा। अगर उसको फॉलो नहीं किया तो आपका ये जो 100 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा वोसे होता है वो कुछ 40 मार्क्स में सिमट के रह जाएगा। और हो सकता है कि आपको केवल एक ग्रेस मार्क्स मिल पाए, ठीक है, मतलब एक 33 मार्क्स मिल जाए, बस पासिंग कर पाए आप। ठीक है, तो क्या वो स्ट्रेटजी रहेगा, क्या वो टिप्स रहेगा आपके लिए, क्या वो प्रोसीजर है, ये बात हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। तो पहली बात कि भाई वाइवा वोसे होता क्या है। वाइवा वोसे इज नथिंग बट ओनली अ ओरल एग्जाम, या कह सकते हैं तो ओरल पेपर है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि इसका सेटअप कैसा है, तो सेटअप इस तरीके से है कि पहले तो आपसे 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर अब ये आप बात जान गए। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि इसमें आपको एक बोर्ड में भेजा जाएगा जहाँ की 3 से 5 प्रोफेसर्स होंगे और वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। हाँ, माइट बी स्कॉलर भी हो सकता है, तो आपको एकदम अच्छे बिहेवियर में जाना है। और एक और बात कि आपको एकदम वेल मेंटेन होके जाना है, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, मुस्कुराते हुए जाना है, मजाक उड़ाते हुए नहीं जाना है, मुस्कुराते हुए जाना है। ये नहीं कि हंसते हुए जाओ एकदम खिखियाते हुए, नहीं, खिखियाते हुए नहीं जाना है, कॉन्फिडेंस के साथ विद अ स्माइल आपको जाना है, लॉफिंग करते हुए नहीं जाना है। ये नहीं कि जाने से पहले संता बंता का जोक आपने सुन लिया, ऐसे नहीं करना है। नेक्स्ट, अब वो जो टीम है 3 से 5 प्रोफेसर्स, या जो तीन मतलब आपके प्रोफेसर्स हो सकते हैं, 2 स्कॉलर्स हो सकते हैं, इनकी जो टीम है ये आपसे क्वेश्चंस पूछेगी किसी भी कॉमर्स के सब्जेक्ट से, एंड वो आपको आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर मार्क्स देंगे। फोर्थ, कुछ प्रोफेसर्स आपके फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के रहेंगे और कुछ प्रोफेसर्स आउटसाइड यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं, कुछ जो अदर एक्सपर्ट्स होते हैं वो आउटसाइड यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं। जी हाँ, आउटसाइड यूनिवर्सिटीज़ मतलब आउटसाइड यूनिवर्सिटीज़ BHU से बाहर के, ठीक है। तो ये आपका पूरा सेटअप रहा। अब बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में कि ये प्रोसीजर क्या है इसका। सबसे पहले आप जब जाओगे ना तो आपसे पूछेंगे ये सेल्फ इंट्रोडक्शन, कहेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब बात आता है कि इंट्रोडक्शन देंगे क्या, कि आपने मम्मी पापा, अपने घर द्वार सबके बारे में जानकारी देना है? जी नहीं, उनको केवल आपके नाम से, आपके कोर्स से, आपके ऑनर्स सब्जेक्ट से मतलब है, या आपकी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट से मतलब है। आप ये तीनों बातें बताओगे, और इफ़ इन द केस अगर आपसे वो रोल नंबर पूछेंगे तो रोल नंबर बता दोगे। नेक्स्ट, आपसे वो पूछेंगे कि गोल क्या है आपका, लाइफ में गोल क्या है भाई। और ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि सर अभी तक तो तय नहीं किया, तय नहीं किया ना, तो वहीं पर वो तय कर देंगे कि आपका मार्क्स कितना आने वाला है। तो ये याद रखिएगा, डिसाइड नहीं किया या तय नहीं किया, अगर आपने ऐसा बोला तो वहाँ पर वो ये बात डिसाइड कर देंगे कि आपका कितना मार्क्स आउट ऑफ 100 आने वाला है इन कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा वोसे। थर्ड, क्वेश्चन आस्किंग सेशन होगा आपसे। अब 5 से 6 क्वेश्चंस थे, अब वो आपसे पूछे जाएंगे। जब ये हो जाएगा तो आपको कुछ टिप्स बताते हैं कि किस तरीके से आपको जाना है। सबसे पहले जो आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है उसके साथ एकदम वेल प्रिपेयर होकर जाइएगा। जैसे आपका हो सकता है मार्केटिंग किसी का हो, किसी का बैंकिंग हो, किसी का फाइनेंस हो, तो इन तीनों सब्जेक्ट जो आपके स्पेशलाइजेशन वाले हैं इनके साथ एकदम वेल प्रिपेयर होकर जाना है। आफ्टर दैट, जब भी वो ये बात पूछें किस चीज़ की तैयारी हो रही है या क्या करना है लाइफ में, तो याद रखना लोग, CA बोलना नहीं है, CS बोलना नहीं है। CA CS बोलोगे फंस जाओगे बुरी तरीके से। ये टिप
टिप्स मुझको अपने सीनियर से मिला है, ठीक है। तो आपको ना CA बोलना है ना CS बोलना है, तो बोलना क्या है, चुप तो रहेंगे नहीं, बोलेंगे तो जरूर, बिल्कुल बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। आप बोलेंगे कि हाँ बैंकिंग की तैयारी हो रही है, आप बोलेंगे एंटरप्रेन्योर बनना है, ठीक है। सबसे इजी रहता है एंटरप्रेन्योर बनना, क्योंकि एंटरप्रेन्योर अगर बोलोगे तो आपसे सिंपली पूछेंगे वो क्या कि ये बताओ कि क्या बिजनेस सेटअप कैसे करोगे, क्या होगा बिजनेस सेटअप करने के लिए, क्या तुम प्रॉफिट, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछेंगे, कितना तुम फंड लगाओगे, क्या क्या चीज़ें देखोगे, ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछेंगे अगर आप एंटरप्रेन्योर बोलते हो। और क्या बोल सकते हैं, और ये बोल सकते हो आप कि हम मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं या बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें भी आप बोलोगे। जब ये सारी चीज़ें आप बोलोगे तो आपसे ये पूछेंगे या फिर आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो बेसिकली कहाँ से पूछे जाएंगे, देखिए। तो अगर आप जा रहे हो ना भाई, तो फाइनेंशियल रेशियोज़ जो आपका फाइनेंशियल एनालिसिस का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, उसको एकदम अच्छे से रट जाना। जितने भी उसके रेशियोज़ हैं, क्या क्या रेशियोज़, किस किस रेशियोज़ में आते हैं, ये सारी बातें आप समझ जाना। यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल रेशियोज़, उसको एकदम अच्छे से चाट जाना, हल्का से भी उसको चाटने में कमी मत करना, ठीक है, ये हो जाएगा। आफ्टर दैट, अगर आप मार्केटिंग ऑनर से हो तो आपसे मार्केटिंग के जितने भी थ्योरीज हैं वो पूछे जाएंगे। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट से हो तो आपसे सेबी कैश स्टेबलिशमेंट या सेबी के बारे में पूछ सकता है कि सेबी क्या होता है, या फिर मतलब जितने भी आपके ये सेबी हो गया, फिर आपका सेंसेक्स के बारे में पूछ सकते हैं, निफ्टी के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब उनका तब होता है जब आप उनके हिसाब से नहीं चलते हो, और जब आप उनके हिसाब से नहीं चलते हो तो दिमाग ख़राब होते वक्त करते क्या हैं, वो आपसे पूछने लगते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस के क्वेश्चन। जी हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस के क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तो इसलिए आप वेल बिहेवियर रहना और वेल मैनर्ड रहना और वेल मेंटेन्ड भी रहना। और वेल मेंटेन्ड से मेरा क्या कंसर्न है, देखिए, वेल मेंटेन्ड से कंसर्न है मेरा बी इन फॉर्मल ड्रेस। अब भाई ये भी बता दो कि फॉर्मल ड्रेस मतलब, फॉर्मल ड्रेस मतलब नॉर्मल ड्रेस, नॉर्मल ड्रेस मतलब शर्ट पैंट, फुल शर्ट और पैंट, इन किए रहना, आउट मत करना, बी इन नॉट आउट, आउट नहीं करना है, इन रह, इन करना है, ठीक। उसके बाद जब ये हो जाएगा तब आपको क्या करना है, तब आपको एकदम टी शर्ट वगैरह मत पहन के आना, क्योंकि मैंने देखा है कितने सारे ऐसे छपरीपंथी होती है एग्ज़ाम्स में जिसमें वो टी शर्ट पहन के आ जाते हैं, अलग अलग मतलब हीरोज़ के, अलग अलग एवेंजर्स, पता ना क्या, मतलब छपरीपंथी तो मतलब फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की शान हो चुकी है। तो भाई ये छपरीपंथी आपको करनी नहीं है, आपको नॉर्मल ड्रेस में, फॉर्मल ड्रेस में आना है, शर्ट और नीचे पैंट, जींस नहीं रहेगा, लोअर मत पहन के आना, नहीं तो बहुत पिटाई नहीं जाओगे मतलब मार्क्स में कम हो जाएगा। तो जो जो चीज़ मैंने बोली वो चीज़ों को ध्यान रखना, लोअर वगैरह पहन के मत आना,